हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू अनदर ब्लॉग्स। एक बार फिर से जो है न्यू ब्लॉग्स में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले हैप्पी दीपावली एंड आपके सभी समस्त परिवार को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, अभी हम पहुंचे हैं राज विहारी डांस एकेडमी और यहाँ पूजा वगैरह होगा, तो किस प्रकार से जो है यहाँ सजा हुआ है। तो आज मैं नाइट में जो है ब्लॉग बना रहा हूँ, तो नाइट में आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगता है तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो अब हम आपको दिखाते हैं राज विहारी डांस एकेडमी इंस्टीट्यूट। तो आपको दिखाते हैं पीछे से, ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं, नीचे से किस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है कितना गजब से जो है सजाया गया है। और मैं ऊपर जाऊंगा और ऊपर जाने के बाद आपको ऊपर से दिखाऊंगा लखीसराय का नज़ारा कि किस प्रकार से जो है दीपावली में किस प्रकार से जो है जगमगाया हुआ है, पूरा दिखाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आपको किस जगह का ब्लॉग चाहिए हमें कमेंट में लिखिए और मैं उस जगह का जो है कवर जरूर करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम पहुंचे हुए हैं राज विहारी डांस एकेडमी और व्यू देखिए पीछे का कितना गजब ब्लैक, जो कि इनवर्स ब्लैक दिख रहा है, एकदम गजब का नज़ारा दिख रहा है। और मेरे पीछे देख सकते हैं लखीसराय का नज़ारा किस प्रकार से जो है सजा हुआ है। और अभी हम अंदर जाते हैं इंस्टीट्यूट में और इंस्टीट्यूट में देखते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़, तो मतलब सर के द्वारा जो है तैयारी किया गया है, कैसे क्या पूजा होने वाला है, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं अंदर। तो जैसा कि फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये बाहर का फर्स्ट गेट है, ये जो हम एंटर कर रहे हैं ये फर्स्ट गेट है जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैं आपको आगे जा रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ और अंदर जाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा जो है सजाया गया है और किस प्रकार से जो है नज़ारा देखने को मिलता है। तो फाइनली फ्रेंड्स, आप जो मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखे होंगे इस जगह का लुक्स और ए ऑफिस भी आप देखे होंगे, जिसमें कि मैं जो है मुस्कान जी के साथ जो है ब्लॉग शूट किए थे यहाँ पर, तो आपको नज़र देखने को मिलता होगा। जैसा कि फ्रेंड्स देख सकते हैं, हमारे सर जो हैं पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी पूजा जो होता है दीपावली में, और पूजा कर रहे हैं। और किस प्रकार से अंदर इंस्टीट्यूट सजा हुआ है वो भी मैं दिखाऊँगा सर के साथ। दीपावली में जहाँ तक होता है दीप जलाने का है और कैंडल जलाइए, अपना जो मतलब मिट्टी का दिया होता है वो जलाइए आप लोग, मतलब कि स्वदेशी आप लोग अपनाइए। तो मिट्टी का दिया जलाइए और देख सकते हैं अंदर आपका दिखाता हूँ इंस्टीट्यूट सर का कि कितना गजब का सजा हुआ। और साथ ही यहाँ टाइगर भाई भी हैं जो कि हमेशा के साथ। और देखिए गेट पर थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको, जो कि मोमबत्ती कैंडल जला हुआ है, इसको कैंडल बोलते हैं। और व्यू देखिए कैसा। तो अंदर जाते हैं, जैसा कि देख सकते हैं अंदर पूरा जो है लाइट जला हुआ है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा जो है व्यू गजब का आपको देखने को मिलेगा, पूरा जो है लाइट एकदम गजब का एकदम है। और मैं स्टेज पे ले जाता हूँ, जिस आपको पता ही होगा कि डांडिया प्रोग्राम हुआ था उसी स्टेज पे। और फिर से जो है सर कोशिश किए कि बेटर से बेटर लाइट लगाए हुए और स्टेज पर से जाकर हम दिखाते, सबसे पहले आपको दिखा देते इंस्टीट्यूट का नज़ारा कैसा देखने को मिलता है। भाई एकदम गजब अमेजिंग है इंस्टीट्यूट, हमको तो इतना पसंद आता है कि मैं बयां नहीं कर सकता हूँ शब्दों में, जैसा हमको ये इंस्टीट्यूट महसूस होता है। और स्पेस भी उतना ही बेटर है। और अब चलते हैं फ्रेंड्स हम स्टेज पे, और स्टेज पे आपको नज़ारा दिखाते हैं। इसी स्टेज पे जो है डांडिया प्रोग्राम हुआ था, जैसा कि पीछे बैनर भी लगा हुआ है, देखिए कितना गजब का जो है लाइट भी लगा हुआ है। आपको लाइट भी दिखा देते हैं पीछे से, लाइट देखिए कैसा नज़ारा दिख रहा है स्टेज पे। देखिए स्टेज पर से जो है, बताइए क्या क्या मतलब धनतेरस में लिए आप? धनतेरस में जो है नया साउंड लिए बच्चे लोगों को सिखाने के लिए, दो साउंड लिए हैं, एक छोटे बच्चा के लिए एक बड़ा बच्चा के लिए, जैसा कि आप देख ही सकते हैं यहाँ एक ब्लूटूथ वाला है और एक बिना ब्लूटूथ वाला है। साउंड भी बहुत अमेजिंग साउंड है, आवाज़ एकदम बम्पर देता है यार,
सुनिएगा तो कान का चदरा भी फट जाएगा जैसा आवाज देता है। और मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा, ऊपर से लखीसराय का लुक्स कैसा दिख रहा है, अभी का नज़ारा दीपावली में कैसा दिख रहा है। तो अभी मैं स्टेज पे हूँ, इंस्टीट्यूट के अंदर हूँ और यहाँ पे लाइट वगैरह सब कुछ जला हुआ है, जैसा कि आपको देखने को मिल ही रहा होगा। तो अब चलिए फ्रेंड्स ऊपर चलते हैं और ऊपर से दिखाते हैं आपको व्यू लखीसराय का किस प्रकार से और कैसा जो है नज़ारा देखने को मिलता है। तो फाइनली फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं सर जो है एक लालटेन जला रहे हैं जो कि एटमॉस्फेयर में जाएगा, वायुमंडल में जाएगा और ऊपर जाएगा। तो देखते हैं ऊपर कितना ऊपर जाता है लालटेन और कैसा नज़ारा देखने को मिलता है, आपको पूरा कवर करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं लालटेन जो है फाइनली जल गया है और जलने के बाद देखते हैं कि किस प्रकार से जो है इसका नज़ारा देखने को मिलता है। जैसा कि देख सकते हैं सर और टाइगर जला रहे हैं और जलने के बाद देखते हैं कि कितना ऊपर जाता है। और इसमें अभी जो है एयर भर रहा है और एयर भरने के बाद आपको इसको जो है छोड़ दिया जाएगा और छोड़ने के बाद जो है ऑटोमेटिक क्या होता है ऊपर जो है सौरमंडल जो वायुमंडल में जो है तैरने लगता है। तो जैसा कि देख सकते हैं अभी भी सर पकड़े हुए हैं, उसी चीज़ को जो है पकड़े हुए हैं एंड लोग, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से जो है इसको जो है कवर किया गया है और कवर करने के बाद फाइनली इसको रिलीज कर दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनली इसको रिलीज कर दिया गया, लेकिन जो है कुछ मिस्टेक हो गया जिसके कारण से जो है वायुमंडल के ऊपर एटमॉस्फेयर में नहीं जा पा रहा और थोड़ा सा उसमें और एयर भरेगा उसके बाद ही जो है ऊपर। अब देखिए जो है धीरे धीरे जो ऊपर खिलने लगा, जैसा कि आप देख सकते हैं लालटेन जो है अब आसमान में एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में तैरने लगा और जैसे जैसे उसमें जिस प्रकार से जो है उसमें एयर भरा जाएगा उस प्रकार से जो है आपको जो है ऊपर चला जाएगा। और मैं ऊपर से भी अभी दो और बचा हुआ दो पीस उसको ऊपर से छत पे जाएंगे और नज़ारा देख ही सकते हैं आप बाहर का। अब इसी ऊपर छत पे जाएंगे और छत पे जाने के बाद जो है अब वहाँ से मैं उड़ाऊँगा, खुद मैं एक रिलीज करूँगा और किस प्रकार से मैं रिलीज करता हूँ क्योंकि बहुत ऊपर चला गया है और ऊपर बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को लालटेन। और अभी जो है कुछ पटाखा वगैरह छोड़ा जाएगा, देखिए तो देखिए फाइनली जो है छुरछुरिया वगैरह हम लोग बच्चे में जो खेलते थे उसी को जो है यहाँ रिलीज किया गया है और यहाँ रखा गया। अभी इसका नज़ारा दिखाते हैं आपको कैसा किस प्रकार से जो बम्परिंग जैसा कि आप देख सकते हैं और देख सकते हैं कुछ आप देखिए गजब का लुक देखिए। तो फाइनली फ्रेंड्स ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से आपको लखीसराय का नज़ारा आपको दिखाते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं फाइनली ऊपर जा रहा हूं और ऊपर में मैं लालटेन जलाऊंगा, जैसे पीछे आप देखे होंगे एक लालटेन जैसा कि देख सकते हैं लालटेन टाइगर के पास है, इसी लालटेन को जो रिलीज करेंगे ऊपर से और ऊपर से मज़ा आ जाएगा, गजब का नज़ारा देखने को मिलेगा। और इंस्टीट्यूट का नज़ारा आप देख लीजिए ऊपर का कैसा है, एकदम गजब है यार। एक बार अगर आ जाइएगा इस इंस्टीट्यूट मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा रूम बाय रूम रूम भी है इसमें, देख सकते हैं रूम भी है। और मैं आपको दिखाता हूं इंस्टीट्यूट, तो जैसा कि फ्रेंड्स देख सकते हैं सब कुछ यहां मिलेगा, यहां शूटिंग वगैरह सब कुछ होता है, मूवी का शूटिंग हो, फिल्म का थी, गाना का शूटिंग हो, सब कुछ का शूटिंग होता है। और देख ही सकते हैं
और बहुत बड़ा बिल्डिंग है भाई, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है इसके अंदर, जैसा कि देख सकते हैं जो भी शूटिंग करने के लिए आते हैं इसमें रहते हैं, और रहने की भी व्यवस्था है, सब कुछ है, सब चीज़ यहाँ पे होता है, शूटिंग वगैरह जो भी है, डांस एडमिट जो भी है, यहाँ पे सब मस्ती फुलिंग है। मूवीज करना चाहते हो, शूटिंग करना चाहते हो, या मतलब कोई रोमांटिक सॉन्ग या कोई भी सॉन्ग यहाँ पे बेफिक्र कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ये बिंदास है। और मैं अब जो बड़ा हॉल है, अब जो है मैं फाइनली ऊपर चल रहा हूँ, ऊपर फ्लोर पे, और ऊपर जा रहा हूँ, जैसा कि देख सकते हैं लाइट ऊपर में नहीं, तो थोड़ा सा जो लाइट का प्रॉब्लम होगा, और ऊपर जाने के फिर बाद फिर लाइट, यहाँ लाइट नहीं था गेट पे। अब भाई फाइनली जो है हम ऊपर चढ़ गए हैं, जैसा कि देख सकते हैं, और यहाँ से आपको लखीसराय का नज़ारा दिखाता हूँ कैसा। देखिए भाई पूरा लखीसराय का नज़ारा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, अमेजिंग है यार, गजब का लुक, गजब का। क्या लुक है यार, थोड़ा सा फ्लैश जलाओ, लाइट लाइट जलाते हैं अभी, मेरा मतलब कि हम दोनों का फेस नहीं दिख रहा है, बट क्या करें। बैटरी ड्रेन है और फ्लैश भी नहीं जल पा रहा है, इसके लिए सॉरी, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एक एक चीज़ दिखाता हूँ लखीसराय का नज़ारा लुक्स। अभी हम इंस्टीट्यूट के ऊपर हैं, मतलब इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर हैं, ऊपर फ्लोर पे हैं, और गजब है यार, देखिए लखीसराय का नज़ारा यार कैसा। देखिए ये है हमारे लखीसराय, जो कि इतना मस्त है देखने का नज़ारा। प्रसाद आ गया है, प्रसाद खाइए। और हम लोग प्रसाद खा रहे हैं सर के साथ, जैसा कि देख सकते हैं लड्डू लड्डू है, मज़ा आ गया यार, बहुत मज़ा आ गया। आप लोग बताइए कैसा व्यू आ रहा, देखिए गजब का आ रहा। अब लंप जलाते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स लखीसराय का नज़ारा आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। और आपको नाइट का ब्लॉग कैसा लग रहा है यार, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर भेजिएगा। और साथ ही अगर आपको डांस सीखना है, राज बिहारी डांस अकेडमी ज़रूर आप लोग ज्वाइन कीजिए। फाइनली फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने जो लालटेन को उड़ा दिए हैं, और बहुत सारे लालटेन आपको दिखाएंगे, बहुत सारे लालटेन, और देख सकते हैं दो लालटेन, पहला जो उड़ाए थे वो है, और सेकेंड वाला ये है, और तीसरा भी रिलीज कर दिया गया है, तो उसको भी मैं दिखाता हूँ, वो भी आ रहा है, आइए लाइट के सामने, लाइट के सामने ही। तो जैसा कि फ्रेंड देख सकते हैं आपको देखने को मिलता होगा, और पीछे में और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, मेरे आसमान में ले जाइए ना, अब पलट जाइए। हाँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स ऊपर ऊपर देख सकते हैं कि कैसा नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, लालटेन पूरा जो है ऊपर आसमान में जो है उड़ रहा है, और कितना दूर चला गया, जैसा देख सकते हैं कि कितना दूर लालटेन चला गया। अरे यार बहुत मजा आ गया, फुल्ली एंजॉय, सीन देखिए कितना मतलब ब्यूटीफुल है, और का सीन देखिए गजब का सीन है, गजब का सीन है। प्रकाश अच्छे जलाइए ना, क्या कुछ नहीं लाए, लाए आऊ है, कहाँ है लाए आऊ है, जलाइए जलाइए जलाइए। तो फाइनली फ्रेंड्स देख सकते हैं अभी मैं छुरछुरिया छोड़ने वाला, जो कि बच्चा में हम लोग छोड़ते थे, हमको फटाका से बहुत जो है पटाखा से डर लगता है, तो चलिए फाइनली इसको हम फोड़ते हैं, और इसको धरा दिए हैं, और धराने के बाद देखते हैं कि कैसा नज़ारा आपको देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं भाई लोग, देख सकते हैं गजब गजब यार, अमेजिंग अमेजिंग, मजा आ गया यार, मजा आ गया, जलाओ और मजा आ गया। देखिए टाइगर लोग को भी,
और सर भी जलाएंगे सर भी। और देखिए गजब है यार, देखिए व्यू कैसा, गजब यार गजब, वाह अमेजिंग अमेजिंग लुक है भाई, अमेजिंग लुक है। डर लगता कहीं का पड़ा, बहुत डर लगता हमको पटाखा से भाई लोग। और देखिए भाई लोग, वो लोग भी लैंप को जो है मतलब कि अच्छा से रिलीज कर दिया, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। पूरा इसको उठाइए, ऊपर उठाइए, ये देखिए गजब का व्यू आपको देखने को मिलेगा लखीसराय का। इधर दिखाइए, ऐसे ऐसे आराम से घुमाइए, इधर घुमाइए, थोड़ा राउंड घुमाइए, हाँ देखिए कितना शानदार लग रहा है, गजब यार गजब। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, अब हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा आपको बाईपास का नज़ारा दिखा देते हैं कि बाईपास का नज़ारा किस प्रकार से है। तो बाईपास ए वाला नहीं दिखाए थे, तो देखिए यार गजब है। और अभी हम निकलेंगे, इसी रूट से निकलेंगे, बाइक से निकलेंगे सर के साथ घर के लिए, और वहाँ देखते हैं कि कैसा व्यवस्था किया गया, किस प्रकार से तैयारी की गई है, बच्चा लोग कैसे जो पटाखा वगैरह इतना मतलब कि छोड़ रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर सब चीज़ कीजिए। चलिए फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं, अब जो है एनएच पे पहुँचेंगे और यहाँ इंस्टीट्यूट से निकल चुके हैं, अब घर की ओर जो है हम जा रहे हैं, और घर पे देखते हैं कि कैसा नज़ारा है, किस प्रकार से जो है सजाया गया है, और वहाँ भी मस्ती होगा। तो आप जो है कंटिन्यू इस ब्लॉग में बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए अभी एनएच पे हैं और अभी बाईपास चौक पे हैं, और अभी हम कट चुके हैं जमुई, जो कि इस रूट से जमुई जाते हैं, और एनएच का नज़ारा देख सकते हैं, गजब का नज़ारा है यार, जैसा कि देख सकते हैं। और मेरा फेस उतना क्लियर नहीं दिखता होगा, उससे थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, और थोड़ा नॉइस वगैरह भी आता होगा क्योंकि पटाखा यार ज़्यादा फूट रहा है। और देख ही सकते हैं पीछे से नज़ारा, पीछे का लुक देखिए यार, और यहाँ देख सकते हैं मूर्ति वगैरह रखा हुआ, मूर्ति बैठा हुआ, और हम लोग मस्ती से जो है ड्राइव कर रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा जो है ठंड भी लग रहा है, और मार्केट घूरते हैं कि कैसा नज़ारा है मार्केट में, और साथ ही उसी रास्ते से जो है हम लोग घर भी जाएंगे। तो अभी जो है देख सकते हैं पचना रूट मतलब कि पचना रोड का नज़ारा किस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, और सर को ही जो है हम लोग बाइक ड्राइव करने के लिए बोले क्योंकि ब्लॉग बनाने में हमको बनेगा नहीं, दिखा चुके हैं, और नहीं देखे तो जाइएगा आई बटन में, उसका लिंक मिल जाएगा, यही है संसार पोखर जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसी रूट से हम लोग जो है घर जाएंगे, तो थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको संसार पोखर का नज़ारा कैसा देखने को मिलता है, और यहाँ देख सकते भाई लोग जैसा कि देख सकते हैं यही संसार पोखर है, और पीछे एक बहुत बड़ा पोखर है जो कि आपको देखने को मिलेगा, और सोचे थोड़ा सा कर्म करके आपको दिखा देते हैं। और यहाँ लक्ष्मी माँ की जो है प्रतिमा यहाँ बैठी हुई, जो कि आप देखे पीछे, और आगे आपको दिखाते हैं कुछ नज़ारा है आपको मार्केट का, और नाइट का ब्लॉग्स आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर डालिएगा आप लोग, और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका लाइक से ही मोटिव। अब आपको जो है चांदनी नज़ारा आपको दिखाएंगे, और देख ही सकते हैं किस प्रकार से जो है व्यू नज़ारा आपको देखने को मिलता है, और रोड पे सभी लोग जो है पटाखे का इंजॉय ले रहे हैं, सब पटाखा फोड़ रहा, और पूरा जो है जगमग जगमग पूरा जो है लखीसराय दिख रहा है, और रोड पे सभी लोग जो हैं मतलब कि जैसे कि देख सकते हैं पीछे का नज़ारा। और अभी हम पहुंच गए हैं फाइनली चांदनी चौक के पास, और यहां से हम लोग जो है घर जाएंगे, और घर की ओर जाएंगे, दिखाते हैं आपको कि घर मेरा किस रूट से जाता है, कैसे जाता है सब कुछ। तो आप लोग जो है कंटिन्यू इसमें बने रहिएगा, और देख सकते हैं नज़ारा, और इसी रूट यही चांदनी चौक है, और चांदनी चौक से अब हम आगे आ चुके हैं, और आपको जो है नज़ारा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा,
जैसा कि देख सकते हैं सभी लोग जो इंजॉय कर रहे हैं अपने अपने जो है मतलब कि मग्न है अपने अपने जो है मस्ती में सब मग्न है, पटाखा का एंजॉय ले रहे हैं और हम लोग जो है गली गली घूर के जो है आप लोगों के लिए ब्लॉग कवर कर रहे हैं ताकि आप लोग देख सकते हैं कि कैसा जो है लखीसराय का नज़ारा है। और आपको छठ का भी ब्लॉग्स बहुत जल्द आएगा और छठ का भी हम जो है कवर करेंगे। तो आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक बार ज़रूर से ज़रूर विजिट कीजिएगा। और फाइनली देखिए कितना गजब का लुक आ रहा, गजब का व्यू है यार, मज़ा आ रहा है। और अभी हम आपको जो है शिव मंदिर के पास ले चलते हैं और उसी रूट से जाएंगे। देख सकते हैं हाय हैप्पी दिवाली। हाँ आ जाओ हैप्पी दिवाली। फाइनली हम जो है और आराम से आइए बना रहे ब्लॉग्स। मज़ा आ गया यार, अभी हम आ गए शिव मंदिर के पास। जैसा कि देख सकते हैं कितना जो है लाइट थोड़ा सा लोकेशन यहाँ, और हम दिखाते हैं आपको इस साइड से जो है शिव मंदिर का नज़ारा आपको जो है इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं लखीसराय शिव मंदिर, गायत्री शिव मंदिर, ममता धाम। आप ब्लॉग दिवाली का नज़ारा हाँ। तो फाइनली फ्रेंड्स मेरा बैटरी भी बहुत ड्रेन हो गया है, डाउन हो गया है, तो तभी पे जो कंटिन्यू ब्लॉग बन रहा है देखते हैं कब तक मतलब चलता है बैटरी। सॉरी फ्रेंड्स, तो हम जो है ब्लॉग बनाते बनाते ही मेरा बैटरी जो है डिस्चार्ज हो गया, जो कि मैं जिक्र भी कर रहा था, तो मैं आगे का ब्लॉग जो है कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो इसके लिए सॉरी। और जो भी मैंने ब्लॉग्स आपको दिखाया बहुत मज़ा आया होगा आप लोगों को देखकर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह मैं हर डेली जो है आपको ब्लॉग्स प्रोवाइड कराता रहूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही में कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग लेकर अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।